खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं दाऊद बादशाह की जिंदगी के बारे में और उनकी जिंदगी के वो वाकयात जो अकर हुए हैं। और इन दिनों में पिछले दो पैगामात दाऊद और यूनतन जो साउल बादशाह का बड़ा बेटा था उनकी दोस्ती के बारे में चंद एक बातें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो अब कलीसिया में राइज कर दी गई हैं जिनका ताल्लुक गुनाह के साथ है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में बाइबल मुकद्दस जो है उसके मानी और मतलब क्या है उन बातों के लिए जो यहां पे लिखी गई। हमने पिछले संडे इस बात को देखा था कि जो 18 बाब है सैमुएल की पहली किताब फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18 उसकी पहली 4 वर्सेस जब आप पढ़ते हैं तो उनमें दो बातें जो हैं वो खास तौर पे वहां पे आपको नजर आती हैं कि एक तो दाऊद और यूनतन जब मिलते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो उसको अपनी जान के बराबर प्यार करने लगा और इसको मिस इंटरप्रिटेट किया गया है, इसकी गलत तशरीह की गई है। और असल में हमने उसको देखा कि बाइबल में और भी जगहों पे यही टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, तो अगर हम इस जगह इस बात को जिंसी ताल्लुक का रंग देते हैं तो फिर वहां भी देना चाहिए और अगर वहां नहीं देते तो फिर यहां भी नहीं दिया जा सकता। और अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो योहन्ना के झील 15 बाब की 13 आयत में लिखा है कि दोस्तों के लिए शायद ही कोई अपनी जान दे लेकिन हमारे मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। इसके मानी क्या है कि मसीह हमें अपनी जान के बराबर प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। फिर अगर आप रोमियों के खत के 5 बाब की 7 और 8 आयत पढ़ें तो वहां पे भी लिखा है रास्तबाज के लिए मुश्किल से ही कोई जान देगा लेकिन खुदावंत ने मसीह ने हमारे लिए उस वक्त जान दी जब हम गुनाहगार ही थे, उससे लड़ रहे थे और वो हमारे साथ कैसा प्यार कर रहा था, अपनी जान के बराबर प्यार कि अपनी जान हमारे लिए फिदिये में खुदावंत ने दे दी। और अगर योहन्ना का पहला खत जो है उसको पढ़ें उसका 3 बाब और उसकी 16 आए तो वहां पे ये हुक्म दिया गया, वहां पे कहा गया है कि जिस तरह मसीह ने हमारे लिए जान दी हम पर भी भाइयों के लिए अपनी जान देना फर्ज है। ये बात लाजमी करार दे दी गई है कि हम भाइयों को बहनों को कलीसिया में जो अजीज है उनको अपनी जान के बराबर प्यार करें। सो अगर वहां पे लिखा है कि वो उसको अपनी जान के बराबर प्यार करने लगा तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसकी गलत तशरीह की जाए। डिटेल के साथ ये पिछला पैगाम जो पिछले संडे था उसको आप सुन सकते हैं। फिर दूसरी बात वहां पे लिखी है कि उसने अपने कबा और अपनी पोशाक और अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद उतार के दाऊद को दे दिया और सिर्फ जेर जामा जो है उसने पहन रखा था, तो इसको भी गलत रंग दिया जाता है। हालांकि मैंने बताया है ये मसीह की और हमारी जो जिंदगी है उसको प्रेजेंट करता है कि किस तरह मसीह आएगा और मसीह ने अपने कपड़े उतार दिए ताकि हम उनको पहन ले और जो हमारे कपड़े थे वो मसीह ने पहन ले। और जो मसीह के कपड़े पहने शख्स होता उसके लिए फतवा क्या था, उसके लिए ऑर्डर क्या था कि ये आसमानी मुकामों पे बैठने के लायक है, इसलिए लिखा है कि हमें उसने आसमानी मुकामों पे बिठाया। और जिसने हमारे कपड़े मसीह ने पहन लिए तो उनके ऊपर हुक्म क्या था कि ये कत्ल करने के लायक है, ये मार दिए जाने के लायक है, तो हमारी जगह मसीह स्लीप पे चढ़ के मर गया। सो ये उसका रूहानी मानी है
उस जगह इस सब कुछ करने का। तो ये दो बातें हमने पिछली दफा जो है इसको देखा डिटेल के साथ और इसमें से हम गुजरे। अब जो तीसरी बात है जिसको गलत तशरीह जिसकी की जाती है, अगर आप सैमुएल की पहली किताब का 20 बाब और उसकी 41वीं आयत पढ़ें, सैमुएल की पहली किताब चैप्टर 20 वर्स 41 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जब वो जाने लगा, दाऊद भाग रहा था और जब वो साउल से भाग रहा था तो वहां पे लिखा है कि वो जब जाने लगा तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और वहां रोए, पर दाऊद बहुत रोया। तो यहां पे लिखा है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा, तो इस चूमने को गलत तशरीह जो है की जाती है, जो गलत तशरीह करने वाले हैं दाऊद और यूनतन की दोस्ती को, इन चार पॉइंट्स को वो खास हाईलाइट करते हैं और ये उनमें से तीसरा पॉइंट कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा और वो रोए। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि अब वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्योंकि यूनतन जो है उसने शरीयत के मुताबिक अपने बाप की इज्जत बहाल करनी है, उसके साथ रहना है, उसके अंडर उसके ताबे रहना है, और जो दाऊद है वो रह नहीं सकता क्योंकि साउल उसको मार देना चाहता है। यूनतन तो यहां पे है लेकिन दाऊद के लिए लिखा है वो बहुत रोया, क्योंकि यूनतन तो घर में रहेगा लेकिन दाऊद जो है वो अब भगौड़ा हो गया है, वो भागता फिरेगा अपनी जान बचाने के लिए। वो जानता है कि मैं बहुत सी मुश्किलों और मुसीबतों में से गुजरूंगा और वो खुदा की तरफ देख रहा है कि वही मेरी जिंदगी और मेरी जान को बचा सकता है। इसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो चूमना है इसके लिए जो रोमांटिक सेंस है वो बाइबल मुकद्दस में सिर्फ गजल में इस्तेमाल की गई है। जो गजलों गजलात की किताब है वहां पे पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। तो ये जो वर्डिंग है या ये जो जगह है सिर्फ बाइबल में यहां पे रोमांटिक किसीज का जिक्र है, बाकी पूरी बाइबल में जहां भी चूमने का किस करने की बात है वो मुकद्दस बोसा है, वो पाक चूमना है जिसको बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। उसके अलावा कहीं भी ऐसी चीज को मेंशन नहीं किया गया चाहे वो किसी के दरमियान भी चूमने का जिक्र किया जाए। सो बाइबल में मुख्तलिफ जगह पे ये जो चूमना है इसको आप देख सकते हैं। जेनेसिस पदायश चैप्टर 33 वर्स 4 में जब आप पढ़ते हैं तो एसाव जो याकूब का बड़ा बेटा था वो जब इसहाक का बड़ा बेटा था वो जब अपने छोटे भाई को जब वो वापिस आया तो उसको मिला बहुत अरसे के बाद, तो कलाम में लिखा है कि उसने उसको चूमा और वो रोए। ये किस चीज का चूमना था? रीयूनियन उनकी हो रही है, दोबारा जो है उनकी मुलाकात हुई है। फिर इसके बाद अगर आप जेनेसिस के अंदर ही चैप्टर 45 और वर्स 15 को पढ़ते हैं तो वहां पे जोसेफ यूसुफ जो मिस्र का बादशाह बन गया था, फिरौन के बाद उसका दर्जा था दूसरे दर्जे का हाकिम, जब उसने अपने आप को अपने भाइयों पे जाहिर किया, वो तो उसे पहचान नहीं रहे थे कि वो कौन है, उन्होंने तो बहुत छोटे को फेंक दिया, फिर वो चला गया और वो कैद में गुलामी में रहा और आखिरकार खुदा ने उसे सरफरासी बख्शी, और जब उसने अपने भाइयों पे जाहिर किया अपने आप को तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा और वो रोए। और ये भी रीयूनियन को प्रेजेंट करता है ये चूमना। इसके बाद अगर आप आगे चले जाएं तो फर्स्ट किंग जो है पहला सलातीन जो है उसमें आप चैप्टर 19 वर्स 20 के अंदर पढ़ते हैं कि जब एलिया ने एलिशा को बुलाया कि वो उसके साथ आए तो उसने कहा कि मुझे अपने माँ बाप को चूम लेने दे। इसका मतलब क्या है कि उनको वो अलविदा खुदा हाफिज कहना चाहता है। इसके बाद जो रूत की बुक है उसमें चैप्टर 1 में वर्स 14 को अगर आप पढ़ें तो कलाम पे लिखा है कि नियोमी ने अपनी बहू उर्फा को चूमा, इसका भी मतलब है खुदा हाफिज कहने के लिए उन्होंने एक दूसरे को चूमा। सो ये सेम वर्डिंग है किस करने की जो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल की जा रही है। इसके बाद अगर आप
खास बात जो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूं, लुका की जो अंजील है मुकद्दस लुका अपने सातवें बाब की 45वीं आयत में खास बात लिखते हैं। जो डॉक्टर लूक है वो चैप्टर 7 वर्स 45 में खुदा यीशु मसीह का जिक्र है। वो एक फरीसी के घर में गए और एक फरीसी के घर में उसका नाम शमाऊन था, और जब उसके घर में गए तो वहां पे एक औरत आई जो बदचलन औरत थी, उसने इत्र को डेला और खुदा यीशु मसीह को चूमने लगी, उसके पांव चूम रही थी, और वो अपने दिल में कह रहा था कि ये कैसा उस्ताद है, ये कैसा रबी है, ये कैसा खुदा का बंदा है कि बदचलन औरत इसको टच कर रही है और ये उसको करने दे रहा है। क्योंकि उनके नजदीक जो है ये गुनाहगार लोग जो थे, जो खुदा के लोग, उनको जो है सो कॉल्ड खुदा के लोग दूसरे लोगों को खुदा के लोग नहीं समझते थे, और वो इस हद तक उनसे नफरत करते थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो उनको टच करे, या जो ईमानदार अपने आप को समझते कि वो जाकर उनसे हाथ मिलाए या उन्हें किसी तरह से कोई ताल्लुक हो। तो खुदा यीशु मसीह ने एतराज किया। क्या एतराज किया? खुदावन ने कहा शमाऊन को कि तूने मुझे नहीं चूमा। खुदावन ने शमाऊन फरीसी को कहा कि तूने मुझे वेलकम किस नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे रिवाज, जब घर में लोग जाते एक दूसरे से मिलते, दावत की जाती तो वो एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे को चूमते। अगर आप अरब में, जो इसराइल है वो अरब के अंदर, तो अगर आज भी आप अरबियों को देखें, जब मर्द मर्द भी एक दूसरे को मिलते हैं तो वे एक दूसरे को चूमते हैं, औरतें मिलती हैं वो चूमती हैं, मर्द और औरत एक दूसरे को मिलते हैं वो एक दूसरे को चूमते हैं। ये उनका रवाज है, उनकी रीत है जो आज भी कायम है। और जब हम इन चीजों को नहीं देखते, पहली दफा अगर आप किसी को देखें तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये, क्योंकि आपकी नजरों के लिए वो जो है बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज होती है, लेकिन ये उनका कल्चर है। सो खुदा यीशु मसीह ने शमाऊन से, फरीसी से ये एतराज किया कि तूने मुझे नहीं छुआ, जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे दावत दी है, तूने मुझे बुलाया है अपने घर में खाना खाने के लिए, और मैं आया हूं और तूने मुझे नहीं छुआ, लेकिन ये औरत जब से आई है इसने मेरे पांव छूना नहीं छोड़े। सो बाइबल मुकद्दस में और बहुत सी जगह पे आप इस चीज को देख सकते और पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप थसलनीकियों का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है, इसके 5 बाब में चले जाएं तो वहां पे आपको 26 वर्स में जब आप जाते हैं, लास्ट वर्स में लिखा है कि उस खुदावंत का बंदा पालूस रसूल जो है वो ये बात कहता है उन्हें कि तुम सब एक दूसरे को चूम कर सलाम करो, सब एक दूसरे को, सब भाइयों को चूम कर सलाम करो। ये हुक्म उसने दिया चर्च को कि जब ये लेटर पढ़ लिया जाए मेरा, तो चर्च के लोग उठे और एक दूसरे को वो चूमे और वो एक दूसरे के लिए मिले और सलामती चाहे। और इसी रवायत की वजह से इब्तदाई कलीसिया में अगर आप इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा कि चर्च में चूमना बहुत आम था। जब कलीसिया के लोग मिलते तो वे एक दूसरे को मिलते और वो एक दूसरे को चूमते, और फिर ऐसा ऐसा ये रिवाइज तो चलती रही। लेकिन अगर आप चर्च हिस्ट्री पढ़ें तो पता चलता है कि फिर इस पे एतराज होने लगा, क्योंकि बहुत से गुनाहगार लोग चर्च में दाखिल हो गए थे, वो चीजों को जो है वो मुख्तलिफ रंग देने लगे, मुख्तलिफ शेप देने लगे, या किसी का पता चला जो शख्स को शामिल कर लिया गया है उसकी तो जिंदगी खराब है, और दूसरों को अच्छा नहीं लगता था कि ये तो पाक बहन नहीं है, पाक भाई नहीं है, तो इसकी तो जिंदगी में ये चीजें हैं, तो जब ये चूमता है हमारी बीवी या बेटी को, और ऐसे जब चीजें होती तो इस चीज में जो है वो प्रॉब्लम आने लगी। और फिर जो है चर्च ने ये हुक्म दिया कि एक दूसरे को मत चूमा जाए। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि ये बहुत आम ट्रेडिशन थी लोगों के अंदर, चर्च के अंदर, तो चर्च ने कहा कि एक दूसरे के हाथ को चूमा जाए, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चूमते। फिर ऐसा ऐसा इसको भी खत्म किया गया, और वो लेटर या वो टेक्स्ट जो पढ़ा जाता सब लोग उसको जाके चूमते। इसकी रस्म अगर आपने आज भी देखनी हो तो
तो आप कैथलिक चर्च में जाएं, कैथलिक चर्च में जब जो फादर या ब्रदर इबादत करवाते हैं वो उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो रोग उन्होंने लिया होता है वो शॉल या दुपट्टा छोटा सा उसका वो पल्लू उसके साथ टच करके खड़े हो जाते हैं और सारे लोग आके जो है उसको चूमते जाते हैं। सो ये मुक्ति चूमने की ट्रेडिशंस हैं जो चली, लेकिन इसका शुरू एक्चुअली वो एक दूसरे के साथ मिलते और वो एक दूसरे को चूमते और ये एक दूसरे के लिए लगाव की निशानी थी। ये उनके लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी, इसमें कोई गलत बात नहीं थी, इसमें कोई भी गलत इस चीज को ट्रांसलेट नहीं करता था। लेकिन मैंने पिछली दफा भी बताया था कि ये चीजें जो है ये एशियन कल्चर, बाइबल मुकद्दस जो पूरी है ये एशियन कल्चर है, इसमें यूरोप अमेरिका कनाडा और ये फर्स्ट वर्ल्ड का कल्चर इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए उनके लिए इन बातों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो अपने ही कल्चर में पीछे चले जाएं तो वहां यहां पे भी एशियन कल्चर की तरह की बातें जो है बड़ी कसरत से या उससे भी स्ट्रॉन्ग हद तक भी रही है। लेकिन बहरहाल मुझे और आपको ये जानना है कि चर्च में और कलीसिया में और ये सारी चीजों में इसको अलाउ किया गया था और ये उस कल्चर में आम रिचर्च के अलावा भी आम बात थी कि लोग एक दूसरे को चूमते थे। और ये तो दोस्त है, ये तो करीबी दोस्त है, अगर उन्होंने एक दूसरे को चूमा है क्योंकि वो जुदा हो रहे हैं और दाऊद अब वापिस नहीं आ सकता तो वो क्यों ना चूमे एक दूसरे को, वो क्यों ना रोए एक दूसरे के साथ मिलकर। और कलाम में लिखा है दाऊद बहरहाल बहुत ही रोया क्योंकि अब उसने वापिस नहीं आना और उनको पता नहीं कि हमारी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जो कि हम आगे जाके देखते हैं कि फिर दोबारा दाऊद और यूनतन की मुलाकात नहीं हो सकी, वो एक दूसरे से फिर दोबारा कभी नहीं मिल सके। इस वाक्य के बाद जो चैप्टर 20:41 वर्स है उसके बाद उन दोनों की आपस में कभी जो है टकराव नहीं हुआ। सो ये दूसरा एतराज है, लेकिन अगर वो बाइबल मुकद्दस की पूरी जगहों को देखें तो वहां पे उन्हें नजर आ जाएगा। और अगर वो इस चीज को या इस जगह को वो समझते हैं कि इसके चूमने का मतलब इस तरह से है तो फिर बाकी पूरी बाइबल में भी उनको यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी और वो ये नहीं कर सकते। सो इसलिए हम इस चीज को भी कैंसिल करते और समझते हैं और हम जानते हैं कि यहां पे चूमने का मतलब महज चूमना ही है। जो आखिरी बात इस जिमन में है और इसका जो जिक्र है वो सैमुएल की दूसरी किताब के अंदर, जल्दी से उसको निकाले और उसको बुलंद आवाज से खड़ा होके पढ़े। सैमुएल की दूसरी किताब पहला चैप्टर है और वर्स 26 है, और बुलंद आवाज से आपने पढ़ना है मेहरबानी से। सेकंड सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 26 और फिर इसको। हाँ जी, हे मेरे भाई यहोनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तू मुझे बहुत मन भाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। आमीन। सो ये वो वर्स है जिसमें जाके वो लोग जो इसको गलत रंग देते हैं मोहर सख्त कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं। जब उसने ये वो वाकया है जब उसको पता चला कि यूनतन मार दिया गया और वो यूनतन के लिए रोने लगा और गम करने लगा अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, और वो गम करते हुए उसके लिए कहता है कि ए मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो शुरू में है और वो इस आखिरी बात के ऊपर फोकस करते हैं। शुरू में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए मेरे भाई यूनतन, वो उसको भाई कहता है, वो उसको दोस्त का वो दर्जा जब वो क्रॉस हो जाता है तो फिर वो दोस्त की बजाय भाई, जो खून ब्लड रिलेशन होते हैं उनमें वो दोस्ती जारी आ जाती है और वो उसको भाई कह रहे हैं मेरे भाई यूनतन। वो कहता है तू मुझको बहुत ही मरहूब था, यानी तू मुझे बहुत ही भाता था, तू मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता, तेरी मेरी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। और वो कहता है तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब मोहब्बत थी, और उस अजीब मोहब्बत का जिक्र क्या करता है, वो कहता है औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा
तेरी मोहब्बत मेरे लिए और मेरी मोहब्बत तेरे लिए थी, और इस चीज को वो गलत रंग देते हैं। वो समझते हैं कि देखा, हम कहते थे कि उनके दरमियान जो है वो नॉर्मल रिलेशन नहीं बल्कि एबनॉर्मल रिलेशन था, लेकिन बाइबल मुकद्दस इसको इस तरह से नहीं बताती। इस चीज को समझने के लिए हमें जो आज हवाला हमने पढ़ा है, जो 19 बाब की 9 आयत से गालबन 18 आयत तक पढ़ा गया है, रोजमेरी ने पढ़ा बड़ी खूबसूरती से, उस हवाले को समझने की जरूरत है, उस सारे वाक्य को समझने की जरूरत है कि दाऊद किस औरत की बात कर रहा था, और दाऊद जब किस औरत को इस अपने दोस्त जोनाथन से कंपेयर कर रहा था। और उसके लिए जब हमने पढ़ना हो, समझना हो, तो फिर हमें वहां पे जो पूरा ये सिनेरियो है 19, 18, 19 और 20 तीनों जो चैप्टर हैं उनमें से गुजरना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जो हमने पिछली दफा भी देखा था कि जो जोनाथन है, साउल बादशाह का बेटा, वो कोशिश कर रहा है कि उसका बाप साउल जो है वो दाऊद को माफ कर दे, या दाऊद के बारे में जो वो गलत आइडिया उसने लगाया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उसको अपने दिल से निकाल दे। लेकिन बहरहाल साउल जो है वो उस पर अटका हुआ है और वो उसको निकालना नहीं चाहता। वो ये समझता है कि मुझे बादशाह मुकर्रर किया गया है खुदा की तरफ से, और इसके लिए तो वो बहुत राजी था। लेकिन जब खुदा ने ये बताया कि अब तेरी किंगडम, तेरी बादशाही जो है खुदा ने खत्म कर दी है, तो इसके लिए वो राजी नहीं हो रहा, और वो खुदा से और खुदा के प्लान से, खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि ये काम, ये बात जो खुदा ने कही है इसको वो कैंसिल करे या इसको वो ना होने दे। और इसके लिए साउल बादशाह ये कर रहा है, जबकि जोनाथन उसका बेटा जो है वो दाऊद के साथ उसकी दोस्ती हो गई है, और इतनी गहरी दोस्ती है कि मैं समझता हूं कि दाऊद ने उसको अपना दिल खोला, उसको बताया। जब उसको बताया गया कि खुदा ने मेरे लिए मुझे मसक किया है बादशाह होने के लिए, और ये बात किसी को नहीं पता सिवाय मेरे और सैमुएल के, जिसने मुझे मसक किया है, तो जोनाथन जो है एकदम राजी हो गया, क्योंकि वो खुदा का बंदा था। उसके लिए लिखा है वो खुदा की लड़ाइयां लड़ता था, खुदा के लिए गैरत रखता था। तो उसने एकदम कहा कि ठीक है, तुझे खुदा ने बादशाह होने के लिए चुना है। तो उसने अपने कपड़े उतार के, जो वलीअहद के कपड़े थे, क्राउन प्रिंस के कपड़े थे, उसने अपने दोस्त दाऊद को पहना दिए कि अब तू वलीअहद है, अब मेरे बाप बादशाह के जो भी बादशाह उसके बाद तू बादशाह बनेगा। और ये सिनेरियो हमें पिछले एतराज में जो है नजर आता है, जिसका हमने डिटेल से देखा है। और यहाँ पे 19वें बाब को अगर आप पढ़ें तो उसकी पहली 7 आयत में आपको, जो आज आगे हमने 9 आयत से पढ़ा है, पहली आयत, छठी आयत और 7वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जोनाथन अपने बाप के पास गया है और उसने अपने बाप से बात की है, और उसने उसको कहा है कि तू दाऊद के साथ ये काम ना कर, उसके साथ जो है बदी ना कर, उसके लिए बुरे बातों को ना कर। और साउल राजी हो गया और दाऊद वापिस आ, दाऊद वापिस आ जाता है और दोबारा से महल में रहने लगता है। लेकिन एक शाम दोबारा से उसको जो है वो खुमार आता है और बदरू गिरफ्तार हो चुका था, वो बदरू उसके ऊपर नाचने लगती है और वो बदरू उसको दोबारा से जो है वो कायल करती है, उभारती है, और वो अपना नेजा दाऊद की तरफ मारता है, उसको मार दे। लेकिन बहरहाल दाऊद बच के चला जाता है और अपनी बीवी मीकल, जो साउल की छोटी बेटी थी, सबसे जोनाथन की छोटी बहन का नाम मीरब था, मीरब से छोटी मेकल थी जिससे दाऊद की शादी हुई, और वो अपनी बीवी मेकल के पास चला जाता है। और जब वो अपनी बीवी मेकल के पास चला जाता है तो कलाम में आज हमने क्या पढ़ा है, मेकल को भी पता था कि मेरा बाप दाऊद को मारना चाहता है, मेरे खावंद को मारना चाहता है, और उसने, उसकी बीवी मेकल ने अपने खावंद को इन्फॉर्म किया कि तेरा जो बाप है वो, मेरा जो बाप है वो तुझे कत्ल करना चाहता है, लिहाजा तू भाग जा, अगर तू ना भागा तो तू सुबह मारा जाएगा। उसने जो हिट स्क्वाड है, जिसको आजकल हम हिटिंग स्क्वाड कहते हैं, वो जो गोली मारने वाले खास निशानाबाज होते हैं, इसने भी 11 आयत के अंदर अगर आप पढ़ें तो 11 आयत में लिखा, उसने लोगों को भेजा 19 बाब की 11 आयत में कि वो उसको जो है पाकर उसको कत्ल कर दे। सो लोग उसकी घात में जो है बैठे हुए थे,
और बनी इसराइल में ऐसे लोग थे जो कलाम में लिखा है जिनका निशाना हिट करने का परफेक्ट हुआ करता था, इतना परफेक्ट हुआ करता था कलाम में लिखा है कि वो बाल का निशाना बगैर खता किए लंबा सकते थे। अगर उन्होंने भाला या तीर मारना है बाल को तो बाल टूटेगा, चाहे वो किस जगह भी खड़े हो जो उनकी एक्सपर्टीज होती थी। तो ये हिट स्क्वाड वहां मौजूद है, मिकल ने उसको बताया, मिकल ने उसको भगा दिया और इस तरह से दाऊद जो है वो बच के निकल गया। ये तो एक सिनेरियो है मिकल का। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि मिकल ने जब दाऊद को भगा दिया तो उसको भगाने के बाद हमने आज क्या पढ़ा है, जो उसका मिकल का बाप साउल बादशाह है वो कहता है कि भाई उसको लेके आओ। तो वो जाते हैं तो मिकल को कहते हैं कि दाऊद कहाँ है, उसको बादशाह ने बुलाया है ताकि वो आए तो उसको कत्ल कर दें। तो मिकल कहती है कि नहीं नहीं वो बीमार है, वो तो चारपाई पे लेटा, वो उठ नहीं सकता। कहते हैं अच्छा वो जाकर बताते हैं वो तो बड़ा बीमार है। तो वो कहती है कि उठ नहीं सकता। कहता कोई नहीं चार भी उठा कर इधर ले आओ। अच्छा जी वो आए तो चार बंदे चार भी उठाने लगे होंगे, मिकल का कभी किधर ये चार भी किधर लेके जा रहे। और नहीं बादशाह ने कहा कि ये उठ नहीं सकता तो चार भी उठा कर। व्हाट अ फनी जोक, ये महल का हो रहा है, ये पैलेस के अंदर हो, बादशाह के हुक्म से हो रहा है। अच्छा जी वो चल नहीं सकता तो उन्होंने उसकी चारपाई उठाई कि जी आप दाऊद तो चल नहीं सकता, उसकी बीवी ने कहा है। तो मकसद क्या था, उसको कत्ल करना, उसको मारना। वो चारपाई उठा के ले आए और अब वो उसको उठाने लगे कि दाऊद उठे तो दाऊद तो उठेगा। जब उन्होंने चादर हटाई तो कलाम में क्या लिखा, उसके नीचे क्या पड़ा हुआ था, बुत, एक स्टैचू कोई उसने रख दिया। और जो तकिया था वो बकरी के बालों का था, लगता था बाल है, उसने पूरा ढका हुआ था। और ही वाज सो एंग्री, वो बहुत गुस्से में आ गया। कलाम में लिखा उसने कहा अपनी बेटी को कि ये तूने क्या किया कि तूने मेरे दुश्मन को ऐसा जाने दिया कि वो बच निकला, ये तूने क्या किया। तो मिकल ने कलाम में लिखा है उसने अपने बाप से झूठ बोल दिया। उसने अपने बाप से कहा कि अरे बाप तू जानता है कि दाऊद जंगी जो है वो जंगजू इंसान है, और वो मुझसे कहने लगा कि तू मुझे जाने दे, क्यों तू क्यों मेरे हाथ से मारी जाए। गोया उसने कहा कि उसने मुझे कत्ल कर देने की, मार देने की धमकी दी। उसने झूठ बोला अपने बाप से। और जब उसने ये बात कही तो साऊल जैसा खबती आदमी, जिसको ये खबत सवार था, जिसको ये भूत सवार था कि मैंने दाऊद को कत्ल करना है, वो कितना ज्यादा इनकरेज हो गया होगा कि इसने शहजादी को, मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की है, कत्ल करने की धमकी दी है कि वो मेरे पास नहीं आना चाहता। और इसके लिए उसने कहा अपनी बीवी को, मेरी बेटी शहजादी को, मैंने इस चरवाहे को अपनी बेटी ब्याह दी, और इसने कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो इस बात के लिए जब उसने ये सुनी तो इस बात ने साउल के लिए, जो पहले ही दाऊद को मारना चाहता है, जर्दी पे तेल का काम किया। वो पहले ही इस आग में जल रहा था कि मैंने दाऊद को कत्ल करना है। जब उसने ये बात सुनी तो ये ऐसी है जिसने थोड़ी सी आग हो तो ऊपर जो है आप ऑयल पहनते, तेल पहनते, तो क्या होगा, वो आग जो है वो ज्वालामुखी पर, वो बहुत भड़क उठेगी, बहुत ज्यादा भड़क उठेगी। और यही हुआ, साउल इतना नाराज हो गया, इतना भड़क उठा के वो जगह जगह अपनी पूरी बनी इसराइल की फौजें लेके चढ़ जाता था जहां से पता लगता था कि दाऊद गया हुआ है या दाऊद का पता चला है। वो खुद भी उसको लीड करता था उस फौजों को, सपा सिपा सलार और बादशाह के तौर पे। इतना ज्यादा मैडली वो इन्वॉल्व था इस बात में कि दाऊद को कत्ल करना, उसने मेरी बेटी को ये कहा है। तो जब इस सारे सिनेरियो को, जब यूनतन मारा गया है और इस जगह वो पहुंचा है, हमने जो सेकंड सैमुएल फर्स्ट चैप्टर की 26 वर्स पढ़ी है, तो वहां पे जब ये सारा सिनेरियो दाऊद के सामने है तो दाऊद किस चीज को कंपेयर कर रहा है, अपनी बीवी मेकल, वो औरत की मोहब्बत जो दाऊद के लिए है, और यूनतन उसके दाऊद की मोहब्बत जो उसके लिए, वो इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। जो उसकी बीवी वो औरत है मेकल, उसकी मोहब्बत में उसने झूठ बोला और दाऊद के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम थी उसको उसने 100 टाइम जो है वो एक्सपेंड कर दिया।
लेकिन अगर आप यूनतन के बारे में 19वें बाब में पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि यूनतन गया और यूनतन ने जाके अपने बाप से बात की दूसरी दफा, और उसका बाप इतना गुस्से से लाल पीला हो गया कि उसने उसको गालियां दी उसकी मां। अगर आप इसको पढ़ें चैप्टर 20 के अंदर 30 वर्ड से पढ़े, लिखा है तब साउल का गुस्सा यूनतन पर भड़का और उसने कहा है कज रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी मां की बरहंगी, बरहंगी का मतलब है नंगा हो जाना, अपनी मां की बरहंगी की शर्मिंदगी के लिए यस्सी के बेटे को, उसने उसको मां की गालियां देना शुरू की, बुरा भला तजलील करना शुरू की अपने ही बेटे यूनतन की, क्योंकि वह दाऊद की साइड ले रहा है, वो दाऊद को अपना दोस्त कह रहा है, वो साउल को कायल कर रहा अपने बाप को कि दाऊद को कत्ल करने का इरादा खत्म कर दे, इसको छोड़ दे। और ना सिर्फ ये बल्कि कलाम में लिखा है 32 आयत में तब यूनतन ने अपने बाप साउल को जवाब दिया वो क्यों मारा जाए, वो गालियां दे रहा है साउल को, उसका बेटा यूनतन कह रहा है वो क्यों मारा, वजह क्या है तू उसको मारना चाहता है, उसने कोई गुनाह नहीं किया तो क्यों तू उसे मारना चाहता है। तो 33 वर्स में लिखा है तब साउल ने अपना भाला फेंका जो दाऊद को मारने के लिए फेंका करता था कि उसे मारे, इससे यूनतन जान गया कि उसके बाप ने दाऊद के कत्ल का पूरा इरादा किया हुआ है। सो ये उसका दोस्त है। एक तरफ एक औरत है जो उसकी बीवी है, उसने उसके लिए सब कुछ जो है एक्सलरेट कर दिया है प्रॉब्लम का, एक अंबार लगा दिया है। दूसरी तरफ उसका दोस्त है जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की इस बात को अपने बाप के सामने रखने के लिए, उसने गालियां बर्दाश्त की है, अपनी जान की परवाह नहीं की, वो उसका बाप उसको कत्ल कर देने तक कहा गया उसने परवाह नहीं की, लेकिन उसने वही बात कही जो सच्ची थी जो ठीक थी। और ये वो दोस्त है जब इसको पता चला तो इसने अपने वली अहद क्राउन प्रिंस की सारी चीजें उतार के अपने दोस्त दाऊद को दे दी, क्योंकि इसने सुन रखा था कि खुदा ने मेरे बाप को बादशाह होने से खत्म कर दिया, मासूल कर दिया है। तो उसने कहा कि जब खुदा ने ऐसा किया, खुदा ने तुझे चुना है, तो मैं भी अपना सब कुछ तुझे दे देता हूं। ये है वो कंपैरिजन जो दाऊद कर रहा है कि तेरी मोहब्बत मेरे लिए या मेरी मोहब्बत तेरे लिए औरत की मोहब्बत से ज्यादा है। वो औरत जो उसकी अपनी बीवी है उसकी वो बात कर रहा है, उसकी मोहब्बत ने उसको फंदे में, परेशानी में, एक अजीब तरह की सिचुएशन में धकेल दिया। लेकिन इसके दोस्त की मोहब्बत यह है कि उसने अपने आप को मुश्किलात में धकेल दिया, बुरा भला बना, अपनी चीजें वली अहद की उसको दे दी और मौत तक चला गया। ये वो सिनेरियो, और इस सारे सिनेरियो में दाऊद ने क्या बात सीखी, फॉरगिवनेस, माफी को उसने अंडरस्टैंड किया, वो माफ करता। यहां तक कि साउल उसे दो दफा अकेला मिला गार में, उसके लोगों ने कहा कि खुदा ने तुझे मौका दिया है कि दुश्मन को मार दे, उसने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं इसको नहीं मार सकता, ये तो खुदा का चुना हुआ है। किसी ने कहा होगा हम तो इसमें बदरुएं नाचती हैं, उसने कहा कभी तो इसको खुदा ने चुना था, खुदा को उसने कहा खुदावंद तूने चुना है, तू इसको अलहदा करेगा, तू इसको मारेगा, तू इसे बादशाह से हटाएगा, मैंने कुछ नहीं करना, मैं इसको टच नहीं कर सकता। फॉरगिवनेस का ये लेवल, और वो क्या करने आया हुआ था, कत्ल करने के लिए आया हुआ था, किसी ऐसे नहीं कि चाहने की रैंडमली उनकी मुलाकात होगी कि वो केला मिल गया, नो। और उसके साथ जो लोग थे युआब असाइल और ये सारे भाई, ये बड़े कमाल लोग थे, वो उनके बारे में भी लिखा है कि वो बाल का निशाना बगैर कता किए मारते थे, और वो अगर उनको ऑर्डर करता तो वो एक ही बार में साउल को कत्ल कर देते, मार देते। लेकिन उसने फॉरगिवनेस से सीखा, उसने कहा कि नहीं मुझे मुआफ करना, मैं अपना बदला नहीं ले सकता, मुझे अपना बदला नहीं लेना, ये बदला लेने का बेहतरीन तरीका है भाई। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो उसे मुआफ कर दें, उसके साथ हलीमी से पेश आए, उसके साथ प्यार से पेश आए। जब वो निकला उसने उसका जुबा काट लिया, उसके कपड़े का एक हिस्सा, जब वो निकल के थोड़ी दूर गया तो कलाम में लिखा है कि साउल ने कहा ए मेरे बाप, दाऊद ने कहा ए मेरे बाप क्या ये तू है, उसने कहा हाँ,
मैं ही हूँ। उसने कहा कि देख तेरा जुब्बा किसी ने काट लिया है, और ये सारी चीज़ उसने उसको कही। और वो क्या कर क्या रहा था, माफ़ी, उसको माफ़ किया उसने। फिर दूसरी दफ़ा उसको मिला, फिर उसने माफ़ कर दिया। उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं माँ, ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तरीका है। आप जब किसी को माफ़ कर देते हैं, किन को माफ़ किन को करना है, क्यों हम माफ़ नहीं कर समझते, ये मेरा राइट है। साउल क्यों गड़बड़ कर रहा था, वो ये सोच रहा था किंगडम मेरा राइट है। हम क्यों गड़बड़ करते हैं, क्यों सारी चीजें गलत जब करते हैं तो क्यों करते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा राइट है। नहीं, जब आप ऐसे करेंगे आप गुनाह में चले जाएंगे, आप बाइबल के अगेंस्ट चलेंगे। आपको अपने राइट के लिए नहीं लड़ना, आपको मुआफ करना है। आपका राइट है या नहीं है, डजंट मैटर। जब ऐसी सिचुएशन आए मुआफ करें, आगे बढ़े। खुदा आपको इसका ऐसा अजर बख्शेगा कि आप अपनी ताकत से आप जेड़ी छोटी का जोर लगा लें, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप माफ करेंगे तो खुदा आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि किस तौर से खुदा ने आपको फसल दिया है, और किस तौर से खुदा ने आपका बदला लिया है, और किस तौर से खुदा ने आपको सरफराज भी किया है। अगर आप और मैं ऐसा नहीं करते तो फिर होता क्या है, फिर ऐसे ही है कि मैं जहर पी के तो मूंग भाई के मरने का इंतजार करूं। अगर मेरी इनकी दुश्मनी हो गई है तो मैं जहर पी के इंतजार करूं कि ये बंदा जो है ये मर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जहर मैंने पिया है तो मरेगा भी मैं ही मरूंगा। सो अगर आप बदला लेना नहीं छोड़ते, इन चीजों को दरगुजर नहीं करते, तो इसका मतलब है कि मैं जहर पी रहा हूं तो फिर मैं ही मरूंगा, फिर दूसरा नहीं मर सकता। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। खुदा हम आसमानी बाप, कलाम की इन बातों को जो है खुदा उम्मीक और खूबसूरत और गहरी है। यीशु के नाम में अपने लोगों को और मुझे समझने की तौफीक बख्श, आगे बढ़ने की तौफीक बख्श, और फसल दे कि हम इनमें से सीख के तेरे नाम और कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम है, आइए खुदा की स्काई दुआ में शरीक हों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।